आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन युद्ध ने भारत के कृषि बाजार का रुख निजी क्षेत्र की ओर मोड़ दिया है। निजी व्यापारी इस बार बड़ी मात्रा में किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि निर्यात पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर हो सकता है। दूसरी तरफ एमएसपी पर सरकार द्वारा गेहूं की खरीद पिछले साल की तुलना में थोड़ी धीमी है। मौजूदा समय में रबी की यह फसल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में काटी और खरीदी जा रही है। वहीं भारतीय खाद्य निगम FCI ने भी गेहूं की खरीद शुरू की है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह शुरुआत धीमी है। केंद्रीय खाद्य विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार सरकार ने अब तक 5,86,000 किसानों से 69 लाख टन गेहूँ की खरीद की है। इन किसानों को लगभग 1400 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वहीं पिछले साल इस अवधि तक सरकार ने 1.26 करोड़ टन गेहूं खरीद लिया था। ऐसे में ये आंकड़े मौजूदा समय में गेहूं की सरकारी खरीद की धीमी गति की ओर इशारा करते हैं। आमतौर पर FCI और राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियां कुल उत्पादन का लगभग 60% गेहूं खरीदती हैं, जबकि 40% खुले बाजारों में बेचा जाता है। यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूँ की बड़ी किल्लत हो सकती है। ऐसे में भारत इस अंतर को पाटने के लिए अधिशेष संग्रह और बंपर फसल पर निर्भर है। दुनिया भर में खाद्य कीमतों में वृद्धि के बीच भारत, मिस्र, तुर्की, फिलीपींस, कई अफ्रीकी देशों और यहां तक कि यूरोप को गेहूं निर्यात करना चाहता है। 15 अप्रैल को दुनिया के शीर्ष गेहूं आयातक देश मिस्र ने भारत से गेहूं खरीदने को मंजूरी दे दी। यूक्रेन युद्ध के कारण देश में गेहूं का स्टॉक कम हो गया है। उत्तर भारत में मार्च में सूखे के कारण गेहूं की पैदावार पर असर पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि सूखे ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। पंजाब में इस सीजन में निजी कारोबारियों द्वारा अब तक गेहूं की खरीद 8 साल में सबसे ज्यादा है। निजी व्यापारियों ने मंगलवार को एक ही दिन में 24,400 टन गेहूं खरीदा। इनके द्वारा अब तक 3.34 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है। गेहूं की कुल आवक 67.5 लाख टन को पार कर गई है। राज्य की सरकारी एजेंसियों के अलावा FCI ने अब तक 65.4 लाख टन गेहूं की खरीद की है। निजी व्यापारियों ने 2014 में 2.09 लाख टन और 2017 में 2.62 लाख टन गेहूं खरीदा था, जो रिकॉर्ड है। निजी व्यापारियों को उम्मीद है कि गेहूं का निर्यात बढ़ेगा, इसलिए वह गेहूं तेजी से खरीद रहे हैं। वे कई जगह MSP के बराबर जबकि कई जगह थोड़ा ज़्यादा भाव में गेहूँ खरीद रहे हैं। मौजूदा समय में दरें बहुत प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।